स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी समय रंगापुर नाम के एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। कृष्णा एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में कद्दू की खेती करता था। अपने उगाए गए कद्दू को कृष्णा मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी कृष्णा के पास आया, जो किसी दूसरे गांव से आया था, और कहने लगा, भाई, मैं पास के ही एक गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरे मालिक नगर की एक मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। मंडी में उनकी बहुत बड़ी दुकान है, जिसमें वे कद्दू का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में कद्दू चाहिए होते हैं, और क्योंकि तुम कद्दू की खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के कद्दू बेचने हैं तो मैं उन कद्दूओं की अच्छी कीमत लगा दूंगा। माफ करना भैया, मैंने जो कद्दू अपने खेतों में लगाए हैं उन्हें तो मैं खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। अरे भाई, तुम ये क्या कहते हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं, और फिर जगह जगह गांव-गांव घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह पर अच्छी कीमत पर बेच दिया जाए। तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे कद्दू बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ, कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसे कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरी सब्जी कम दामों में बेचना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं, चाहे मुझे मुनाफा कुछ कम ही क्यों ना हो। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वो आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है, इसीलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कृष्णा के समझाने के बाद वो आदमी को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वो आदमी वहां से चला गया। हमेशा की तरह कृष्णा अपने सारे कद्दू बैलगाड़ी पर लादता है और उन्हें बेचने के लिए चल दिया। चलते चलते वह उदयगिरी नाम के एक गाँव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत ही अंधेरा हो चुका था। कृष्णा सोचने लगा कि मुझे रात यहीं पर कहीं गुजार लेनी चाहिए। ये सोचते सोचते जब कृष्णा एक बड़े से घर के सामने से गुजरा तो उस घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी ने कृष्णा को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। कृष्णा ने देखा कि पहनावे से वो आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। कृष्णा ने कहा, भाई, मेरा नाम कृष्णा है और मैं गंगापुर गांव का हूँ। ये कद्दू बेचने के लिए मैं उदयगिरी गांव की तरफ जा रहा हूँ। सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं, इसीलिए आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकलने का इरादा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या रात गुजारने के लिए हमारे गाँव में जगह नहीं मिलेगी? इसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो? तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी में रुक जाओ। इतना कहते ही कृष्णा ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और गाड़ी से सारे कद्दू उठाकर एक तरफ रख दिए। बैलों को चारा और पानी डालकर कृष्णा ने अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। वो आदमी जिसके घर में कृष्णा रुका था उसका नाम सर्वेश्वर दयाल था। खाना खाने के बाद सर्वेश्वर दयाल कृष्णा से बातचीत करने लगा। कृष्णा ने कहा, हजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में ना जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कृष्णा, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। देखने में तो तुम बहुत ही मेहनती किसान लगते हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये सभी कद्दू तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब,
ये तो मेरे अपने ही खेत की फसल है, व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूं। और फिर इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। कृष्णा ने उसे बताया कि वह अपने खेत के कद्दू सीधा ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर सर्वेश्वर दयाल ने कहा, अरे कृष्णा, अगर हर किसान ही तुम्हारी तरह सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कम कीमत पर अच्छी और ताजी सब्जियां सभी लोगों को मिल जाएगी। आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं, इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का ये काम उचित नहीं है, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वे तो ऊंची कीमत देकर सामान खरीदते हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है, और ऐसा ना हो इसीलिए मैं अपने खेत के कद्दू सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ। सच में कृष्णा, तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तुम आज रात आराम से यहाँ पर सो जाओ। और फिर सर्वेश्वर दयाल अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसने घर के दालान में एक चारपाई बिछा कर कृष्णा के सोने का इंतजाम कर दिया। अपनी चारपाई पर लेटने के बाद कृष्णा सर्वेश्वर दयाल के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, इसका मन सचमुच बहुत ही निर्मल है। ऐसे इंसान आजकल दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते कृष्णा को नींद आ गई। अगली सुबह मुर्गे की बांग से कृष्णा की नींद खुली। वह सोचने लगा कि इस घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल ने अपने घर में आसरा देकर मेरी बहुत ही सहायता की है, क्यों ना इसके बदले में कुछ कद्दू उसे भी दे दिए जाएं। ये सोचकर कृष्णा जब कद्दूओं के अपने ढेर के पास पहुंचा तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि कद्दूओं का ढेर आधा ही रह गया था। वह तुरंत घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल के पास गया और कहने लगा, मैंने रात को आपके आंगन में जो कद्दूओं का ढेर लगाया था उसमें से आधे कद्दू गायब हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसकी बात सुनकर सर्वेश्वर दयाल को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, ये तुम क्या कहते हो, तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही संदेह कर रहे हो। मैंने बड़ी ही गलती की जो तुम जैसे आदमी को अपने यहाँ पर आसरा दिया। सर्वेश्वर दयाल के ऐसा कहने पर कृष्णा को ये समझने में देर ना लगी कि सर्वेश्वर दयाल एक अच्छा इंसान नहीं है और इसी ने मेरे साथ धोखा किया है। अब कृष्णा को भी क्रोध आ गया। वो कहने लगा, अरे भाई, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे कद्दू चुराए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कृष्णा, जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। असल में गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दिया और बेवजह ही मुसीबत मोल ले ली। रात को तो तुम्हारी बातों से ये लगता था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। तुम्हें अपने घर में आसरा देकर मैंने बड़ी ही गलती कर दी। सर्वेश्वर दयाल की बात सुनकर कृष्णा को और भी अधिक गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना जोरी करते हैं। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे कद्दू लौटा दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, मुझे धमकाता है, अब तू यहाँ से चुपचाप शराफत से निकल जा, वरना अपने आदमियों को बुलवा कर तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकलवाऊंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा। सर्वेश्वर दयाल के धमकाने पर कृष्णा मन ही मन सोचने लगा कि अब इससे बात करना बेकार है। कृष्णा ने अपने बाकी कद्दू इकट्ठे किए, गाड़ी पर लादे और फिर सर्वेश्वर दयाल के घर से वो निकल गया। कृष्णा सीधा गांव के मुखिया के पास गया। कृष्णा ने मुखिया जी को सर्वेश्वर दयाल के यहाँ पर हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी कहने लगे,
अगर सचमुच तुम्हारे कद्दू सर्वेश्वर दयाल ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवा दूंगा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो एक बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर एक अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे कद्दू चुराए हों? नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये उसी का काम है। ठीक है, उससे बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मुखिया ने उसी समय सर्वेश्वर दयाल को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब सर्वेश्वर दयाल वहां पर पहुंचा तो कृष्णा को वहां पर देखकर वो तिलमिला उठा और मुखिया जी से कहने लगा, मुखिया जी मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया और ये एहसान फरामोश है कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में अच्छे खासे कद्दू उगे हैं, तो भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराऊंगा? लेकिन ये ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुखिया ने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने ये चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो कद्दू उगे हैं उनमें से एक कद्दू तुम यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनते ही सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लाने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मुखिया एक बार फिर से कृष्णा से पूरे मामले की जानकारी लेने लगा। इसी बीच सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लेकर वापिस लौट आया। मुखिया ने कृष्णा की बैलगाड़ी में से एक कद्दू मंगवाया और फिर दोनों कद्दूओं को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम दामोदर है और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि ये दोनों कद्दूओं की जाँच कर सके। और फिर मुखिया ने दामोदर से कहा, क्या तुम इन दोनों कद्दूओं की जाँच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों कद्दू एक ही खेत के हैं या अलग अलग? दामोदर दोनों ही कद्दूओं को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, दोनों कद्दूओं को देखने में तो कोई फर्क नहीं नजर आता, इसीलिए इनके स्वाद को चख कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन कद्दूओं को चखो और मुझे बताओ। मुखिया के कहने पर दामोदर ने एक चाकू से सर्वेश्वर दयाल के लाए हुए कद्दू को काटा। जैसे ही उसने वो कद्दू खाया उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वो हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, शास्त्री जी आप तो वैद्य हैं, जरा देखिए तो सही दामोदर को क्या हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि आप यहीं पर थे, ये कहीं मर ना जाए, आप तुरंत इसका इलाज कीजिए। मुखिया के ऐसा कहते ही वैद्य ने दामोदर की नब्ज देखी और कहा, अरे भाई अवश्य ही इस कद्दू में जहर था, इसीलिए कद्दू को खाते ही इसकी ये हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा। और फिर कुछ लोगों की सहायता से उस आदमी को उठाकर इलाज के लिए अपने घर ले गया। इसके बाद मुखिया ने सर्वेश्वर दयाल से कहा, अरे भाई ये सब क्या मामला है, तुमने अपने खेतों में जहरीला कद्दू लगाया है, तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो। कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीला कद्दू खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो कद्दू ही तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ जाएगा, अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनते ही सर्वेश्वर दयाल डर गया और वो मुखिया को घर के अंदर एक एकांत जगह पर ले गया। कहने लगा, मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, वो कद्दू मेरे खेत का नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान कृष्णा का ही कद्दू है। उसके कद्दू जहरीले हैं, अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं उसके कद्दू चुराता ही नहीं। अगर आप इस अपराध का दंड देना चाहते हैं तो उस कृष्णा को दीजिए, क्योंकि ये कद्दू उसी का है। अगर आप मुझे इस समस्या से बचा लेंगे तो मैं आपको भी माला माल कर दूंगा। ये सुनकर मुखिया को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, एक तो तुमने खुद चोरी का अपराध किया और ऊपर से मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो, कृष्णा को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा लालची है?
तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझा जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाऊं। तुम्हें मालूम है कि मुझे रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध मान लिया होता तो बेहतर होता। तभी वहां पर कृष्णा, दामोदर और वो वैद्य भी आ पहुंचे। उन तीनों को देखकर सर्वेश्वर दयाल चौंक गया और कहने लगा, देखो तो जरा दामोदर को, वो तो एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो कद्दू मेरा था ही नहीं। वो कद्दू तो मैंने इस किसान कृष्णा का चुराया था। अब क्योंकि वो कद्दू मेरा नहीं था, इसीलिए अब मुझ पर किसी की हत्या या हत्या करने का अपराध नहीं बन सकता। उसके इतना कहते ही मुखिया कहने लगा, सर्वेश्वर दयाल, अब तो तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया है। तुम अपना अपराध अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसीलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। असल में दामोदर कोई सब्जियों का ज्ञाता नहीं है और ना ही वो आदमी कोई वैद है। कृष्णा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए ये सारा जाल बिछाया गया। दामोदर ने तो कद्दू खाकर बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। असल बात तो ये है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को कृष्णा के पास कद्दू खरीदने के लिए भेजा था, उस रात कृष्णा ने उस आदमी को तुम्हारे ही घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है। कृष्णा ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुमने एक आदमी को पहले से ही इसके घर कद्दू खरीदने के लिए भेजा था। कृष्णा ने तुम्हारे भेजे हुए आदमी को कद्दू नहीं बेचे, इसीलिए तुमने इसे अपने घर के सामने रोक कर अपने घर में रुकने की जगह दी। इसके आधे कद्दू चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल ऐसा नीच काम करेंगे, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तब कृष्णा कहने लगा, भाई सर्वेश्वर दयाल, मुझे तो तुम जैसे लोगों की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे घटिया दलालों की वजह से मंडी में किसानों का नुकसान होता है। मुखिया ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कृष्णा, तुम्हारी इस समस्या के बारे में मैं राज्य के महाराज से बात करूंगा। और फिर कृष्णा को सर्वेश्वर दयाल के द्वारा चुराए गए सारे कद्दू वापिस दिलवा दिए गए। मुखिया ने कहा, आज के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। जब गांव के बाकी किसानों को कृष्णा के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला तो वे मुखिया और कृष्णा की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इसके बाद कृष्णा अपने सारे कद्दू लेकर आगे बढ़ गया। उसने अपने सारे कद्दू उचित दामों पर बेचे और वापिस अपने गांव लौट गया। सोनपुर गांव के रहने वाले बुधिया के दो बेटे थे। बुधिया मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसे अक्सर अपने बेटों की चिंता रहती कि वे दोनों अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई खेती लायक जमीन तो थी नहीं। बुधिया दूसरे के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन बुधिया ने मन में विचार करके अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा तुम लोग देख ही रहे हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी सांसें कभी भी थम सकती हैं, इसीलिए आखिरी समय में मैं चैन से मर सकूं तो सोचा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग अपना गुजारा कर भी पाओगे या नहीं, मैं अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ। बड़ा बेटा चमन बोला, पिताजी अगर आप हमारी अकल या इससे जुड़ा हुआ कोई इम्तिहान लेना चाहते हैं तो ये मेरे बस के बाहर की बात है, आप मेरा ख्याल तो अपने मन से निकाल ही दो, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिताजी आप तो छोटे से ही जो करवाना चाहते हो वो करवा लीजिए, ये कहकर चमन अखाड़े में कसरत करने के लिए चला जाता है। बुधिया कहने लगा, बेटा रोशन, चमन तो अपनी पहलवानी से अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर ही लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? छोटा बेटा रोशन बोला, पिताजी रोशन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा, मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करने वाला, आप बस देखते जाइए, मैं राजा का सलाहकार बनूंगा। मुझे पता लगा है कि हमारे राजा के मुख्य सलाहकार की मृत्यु हो गई है और वो जल्दी ही एक नए सलाहकार की नियुक्ति करना चाहते हैं। अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखो भाई, कोई काम धंधा करना शुरू करो ताकि कल को तुम्हें कोई अपनी लड़की दे सके
और तुम अपना परिवार संभाल सको। पिताजी, बनूंगा तो मैं राजा का सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बुधिया कहने लगा, अच्छा तो चलो तुम्हारी बुद्धि की मैं परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि तुम राजा का सलाहकार बनने के लायक हो भी या नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हो। क्यों नहीं पिताजी, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें मैं तैयार हूँ, कहिए क्या करना है। बुधिया बोला, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करके दिखाना होगा। ठीक है पिताजी, ये कहकर रोशन घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही बुधिया बड़बड़ाने लगा, अब देखता हूँ बिना काम काज के ये अपनी शादी कैसे रचता है, अब अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। इधर रोशन जमींदार के खेतों में काम कर रही औरतों को देखकर उनमें से एक सुंदर लड़की के पास गया और कहने लगा, मेरा नाम रोशन है, मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की पहले तो घबरा गई, परंतु फिर कुछ अपने आप को संभाल कर बोली, पहले ये तो बताओ कि तुम काम क्या करते हो। मैं राज दरबार में राजा का सलाहकार बनने वाला हूँ। लड़की कहने लगी, क्या तुम अपनी हालत तो देखो, कुछ भी बोले जा रहे हो। हंसते हुए लड़की कहने लगी, चलो जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो, बड़ा आया शादी करने वाला। बाकी औरतें भी रोशन की बातों को सुनकर हंसने लगी। रोशन को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो वहां से चला गया। वो इधर उधर भटकता रहा और साथ ही साथ मन में कुछ योजना बनाने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक सी आ गई, अपने आप से कहने लगा कि घी अब टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। रोशन तुरंत अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी गांव में एक सुनार का काम करता था और कहने लगा, क्या हाल है दोस्त, आज तुम्हारी याद आई तो मिलने चला आया। भाई, मैं तो तुझे बचपन से ही जानता हूँ, बिना काम के तुम कभी नहीं आते, अब बता भी दो कि क्या काम है। रोशन बोला, भाई मुझे कुछ कीमती मोती चाहिए, मैं तुम्हें शाम तक वो मोती वापिस लौटा दूंगा। अच्छा, शाम तक लौटा भी दोगे, ऐसा क्या करोगे भाई। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो तेरे लिए एक भाभी लाने का विचार है, बस कर, अब ज्यादा लंबी लंबी मत हांक, ये ले मोती, लेकिन शाम तक जरूर लौटा देना। रोशन वहां से कीमती मोती लेकर गांव से होकर गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही थी। रोशन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके कीमती मोती गिराने लगा। लड़की बोली, अरे इस बेचारे राहगीर के कीमती मोती तो गिरे जा रहे हैं, मुझे इसे बताना चाहिए। वो चिल्लाई, सुनो महाशय, आपके कीमती मोती तो गिरते जा रहे हैं। रोशन उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। वो लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे महाशय सुनते क्यों नहीं, आपके मोती गिरते जा रहे हैं। रोशन रुका और पलटकर गुस्से से बोला, क्या कहा, क्यों चिल्ला रही हो। लड़की कहने लगी, बड़े अजीब आदमी हो तुम, एक तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऊपर से रोब झाड़ रहे हो। रोशन बोला, क्या खाक मदद कर रही हो, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लड़की बोली, अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रोशन कहने लगा, और नहीं तो क्या, पूरे 2 साल के बाद मुझे पसीना आता है, पसीना गिरते ही मोती बन जाता है, अभी मुझे बस पसीना आना शुरू ही हुआ था कि तुमने मुझे बीच में ही टोक दिया। लड़की बोली, क्या सचमुच ऐसा है, तब तो तुम बड़े ही अमीर आदमी होगे, घर द्वार सब कुछ बढ़िया होगा ना। और नहीं तो क्या, अब मुझे जाने भी दो, कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। लड़की बोली, वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, आप मुझसे शादी करके अपना घर बसा सकते हैं महाशय। रोशन कहने लगा, नहीं नहीं, शादी ब्याह ऐसे राह चलते तो नहीं होते, मैं चलता हूँ, देखो मैं तुम्हारी अर्धांगनी बनकर रहूंगी, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। रोशन की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और रोशन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ गया। अपने पिता से बोला, पिताजी देखिए
मैं आपके लिए बहू लेकर आ गया हूँ। अरे तुझे लड़की कैसे मिल गई? लड़की ने जब घर को देखा तो कहने लगी, आप इस घर में रहते हैं? आप तो बहुत ही कपटी इंसान निकले। आपने तो कहा था कि आप बहुत ही अमीर हो। अरे भाग्यवान, तुम बस देखती जाओ, बहुत ही जल्दी मैं राजा के दरबार में सलाहकार बनने वाला हूँ। लड़की अपना माथा फोड़ने लगी और बोली, हाय मैंने तो अपने कर्म ही फोड़ लिए, पता नहीं आप कब बनोगे राजा के सलाहकार। रोशन के पिता ने कहा, बेटा आज तो तूने लड़की को बहला फुसला कर शादी कर ली है, लेकिन अब तू मुझे सच में राजा का सलाहकार बनकर दिखा। उन्हीं दिनों गांव में एक लुटेरों का गिरोह आया हुआ था जो गांव में लूटपाट करके गायब हो जाता था। वो गिरोह कहां से आता और कहां जाता ये किसी को नहीं पता चल सका। यहां तक कि नगर का कोतवाल और उसके सिपाही भी गिरोह को पकड़ पाने में नाकामयाब रहे थे। उस समय रोशन के पिता ने रोशन से कहा, बेटा अगर तू सच में राजा का सलाहकार बनना चाहता है तो यही मौका है। तू लुटेरों के दल को पकड़वा दे तो राजा तुझसे जरूर ही खुश हो जाएगा। रोशन बोला, पिताजी ये आप कैसी बातें करते हैं? क्यों मुझे मौत के मुंह में भेजना चाहते हैं? जहां कोतवाल के सिपाही भी उस गिरोह को ना पकड़ सके तो मैं क्या चीज हूँ? बेटा यही तो तेरी बुद्धि की परीक्षा है। उसी दिन रोशन एक काम से दूसरे गांव में गया हुआ था। शाम को लौटते हुए उसे देर हो गई और अंधेरा छा गया। रात के समय जब वो गांव के बाहर बने हुए शमशान के पास से गुजर रहा था तो उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। रोशन को कुछ शक सा हुआ। जब उसने छुप छुप कर देखा तो लुटेरों का गिरोह शमशान घाट में ही छुपा हुआ था। यही वो जगह थी जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। वे चार लोग थे। सारी बात समझकर रोशन उल्टे पांव वहां से लौट आया। घर आकर वो लुटेरों को पकड़ने की योजना बनाने लगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और कुछ गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार उन्होंने रोशन को अर्थी पर लेटाया और सफेद कपड़ा डालकर उसे शमशान घाट में छोड़ आए। सब लोग वहीं पास में ही छिप गए और रोशन की पत्नी पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गई। शाम के समय जब लुटेरे वापस आए तो अर्थी पर रोशन को पड़े देखकर बोले, अरे ये क्या, इस मुर्दे का संस्कार क्यों नहीं किया किसी ने अभी तक? उनमें से एक बोला, सरदार लगता है कोई अभागा है जिसे लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। सरदार कहने लगा, चलो तो फिर हम लोग मिलकर इसका संस्कार कर देते हैं, इसी बहाने हमसे भी कोई पुण्य का काम हो जाएगा। इस बात पर सारे लुटेरे राजी हो गए। जो भी सामान चाहिए था वे लोग इकट्ठा करने लगे। दो लुटेरे जाकर लकड़ियां ले आए। जैसे ही चारों डकैत अर्थी के पास आए पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, जितने आपने कहे थे पूरे उतने ही हैं। ये सुनकर अर्थी पर लेटा हुआ रोशन खड़ा हो गया। एक मुर्दे को खड़ा होते देखकर डकैतों की हालत पतली हो गई। रोशन बोला, पूरे चार होने चाहिए, जितने मैंने कहा था उतने। पेड़ पर बैठी हुई पत्नी बोली, हाँ हाँ पूरे उतने ही हैं। डकैतों का सरदार कहने लगा, अरे ये तो भूत प्रेतों की माया है, सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। सब डकैत अपना सारा माल छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गए। फिर रोशन अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान अब नीचे आ जाओ, काम हो गया है। पत्नी ने कहा, एक बात तो है, तुम भले ही धन से अमीर नहीं हो लेकिन बुद्धि से तुम बहुत ही अमीर हो। दूसरी तरफ भागते हुए लुटेरों को छिपे हुए गांव के लोगों ने दबोच लिया और कोतवाली में सौंप दिया। रोशन और उसकी पत्नी लुटेरों का सारा माल बटोर कर अपने घर लौट आए। पिता ने खुश होकर कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि तुम राजा के सलाहकार बनने के लायक हो, अब तुम जाओ और राज दरबार में अपनी काबिलियत साबित करो। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पिताजी मैं आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा। इधर एक योग्य सलाहकार की राह देखते हुए राजा ने अपने मंत्री से कहा, महामंत्री जी आज पूरे 2 महीने बीत गए,
हमें कोई भी ऐसा समझदार आदमी नहीं मिला जो हमारे दरबार में मुख्य सलाहकार बन सके। महामंत्री कहने लगा, क्या करूं महाराज, मैंने भी अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, काफी खोजबीन के बाद भी मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, परंतु कल एक आखिरी योजना है। कल मैंने महल के बगीचे में अपनी प्रजा में से सलाहकार के पद के उम्मीदवारों को इकट्ठा होने को कहा है। वहां हम बिना जहर के कुछ सांपों को छोड़ देंगे। जो कोई भी निडर और साहसी होगा, वह भी किसी उचित तर्क के साथ, वही हमारा मुख्य सलाहकार बनेगा। राजा ने कहा, ठीक है, कल इसका भी फैसला हो जाएगा। अगली सुबह मुख्य सलाहकार बनने के लिए आए सभी उम्मीदवार बगीचे में खड़े थे, जिनमें रोशन भी एक था। पीछे एक दीवार थी जिसे कोई भी आसानी से फांद सकता था। उधर छत पर राजा और कुछ मंत्री बैठे हुए थे। योजना के अनुसार मंत्री ने बगीचे में उम्मीदवारों के बीच में सपेरे को बिना जहर वाले सांप छोड़ने का इशारा किया। लोग बोले, अरे सांप सांप भागो, अरे बहुत ही जहरीला सांप है। सब तरफ अफरा तफरी सी मच गई। सभी उम्मीदवार दीवार फांद कर बगीचे से बाहर हो गए। अब सिर्फ रोशन ही बगीचे में खड़ा था। सांप उसके पास से होकर गुजर गया। ये देखकर राजा ने उसे अपने महल में बुलवाया। तब मंत्री ने रोशन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रोशन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मौत से भय नहीं लगता? रोशन कहने लगा, मंत्री जी, मौत से भला कौन नहीं डरता, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे और साहस की है। हम बचपन से ही महाराज की छत्र छाया में पले बड़े हैं, और ये एक पल के लिए भी कैसे सोच लें कि महाराज हमारे प्राण बिना किसी कारण के ले सकते हैं। मेरा अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास यहाँ खड़े रहने की वजह है। राजा ने कहा, बहुत खूब रोशन, तुम सच में एक निडर और समझदार इंसान हो। तुम सलाहकार बनने के सबसे योग्य उम्मीदवार हो। महामंत्री जी, हमारी तलाश खत्म हो चुकी है। रोशन ने कहा, धन्यवाद महाराज, मेरे बचपन का सपना आज पूरा हो गया। इसके बाद रोशन को राज दरबार में सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया गया, और रोशन अपनी पत्नी और पिता के साथ एक आनंदमय जीवन बिताने लगा।